ये वो येल्लो वाली टैक्सी, ये कड़क चाय, ये शाम में पिंसअप घाट, ये कोलकाता की इलिश फिश, ये अपना हावड़ा ब्रिज, ये हजारों करोड़ों की कलाकारी वाले पंडाल, और ये मैं नवीन नॉर्थ इंडिया से, जिसे बड़ा मन था कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने का। आज की कोलकाता की कहानी छोटी छोटी 5 दिनों की कहानियों से मिलके बनी है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और आखिर में विजयदशमी। लेकिन इन 5 दिनों की कहानी शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि महालय क्या है। महालय के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को नवरात्रि और पितृपक्ष का संधि काल भी कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो महालय के दिन ही पितरों को जल तिल चढ़ाकर विदाई दी जाती है। इस परंपरा को तर्पण कहा जाता है और इसी के साथ माता का धरती पे स्वागत किया जाता है। यानी कि पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है और यहाँ से देवी पक्ष शुरू होता है और अगले 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाएंगे। माना जाता है कि महालय के दिन ही हर मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करता है, या यूं कह लीजिए कि इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रथा को चोखू दान भी कहा जाता है, यानी कि आंखें तैयार करना। और कलाकारों के समुदाय में से सिर्फ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वही आंखें रंगते हैं और फिर ये मूर्तियां तैयार हो जाती हैं अलग अलग पंडालों में स्थापित होने के लिए। यानी कि महालय के दिन पितरों को विदाई दी जाती है और माँ दुर्गा का धरती पे स्वागत किया जाता है। अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स खत्म होते ही मैं निकल गया कोलकाता के लिए। ये मैं ब्रश कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में और पता नहीं कैसे फ्लाइट में वो दूर अपने को कुछ पीक्स दिखाई देती हैं, शायद नेपाल की। हैप्पी दुर्गा पूजा बोलो सबको। हैप्पी उसमें बोलो ना, हैप्पी दुर्गा पूजा। और बंगाली में कैसे बोलते हैं? शुभ दुर्गा पूजा बीते शुभेच्छा अभिनंदन। कोलकाता पहुंचते ही अपन पकड़ते हैं एक ओला बाइक वाला और यहाँ से आज की मंजिल है एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर बागा जतिन, जहाँ निर्भन और विनीता अपने इंतजार में हैं। इस 25 किलोमीटर के सफर में बाइक वाले ने अपने को अच्छे से कोलकाता दिखाया, यहाँ के सबसे बड़े पंडाल, फुटबॉल स्टेडियम, और बताया कि किस तरह वो कोलकाता पुलिस के चालान से बचता है। अपने 1 घंटे की राइड के बाद मैं पहुँचता हूँ विनीता के घर, जहाँ अपने को एक प्यारा सा कुर्ता कुछ लिखा है क्या तोहफे में मिलता है। बंगाली लोग कुर्ते को पंजाबी बोलते हैं। और अब वक्त हो गया था शाही भोग का। पिछले 1 महीने से मैंने हॉस्टल का खाना खाया है, बाकी आप समझ सकते हैं। शुक्तो पहले खाना पड़ता है, दाल है, दाल में भी मछली यूज करते हैं हम लोग। खुशबू आ रही है, फेमस मछली है बंगाल का, फेमस मछली है इल्सा। इल्सा हां, शोरशे। अच्छा मछली दूसरा है? हाँ, नहीं नहीं, दूसरी तरीके से पकाया है। हाँ, इस छोटे से पकाया हुआ है और ये सिर्फ नून और हल्दी। और ये? और ये चटनी बोलते हैं हम लोग, तो खट्टी मीठी होती है। बहुत ही मिष्टी दोई। तो कम से कम आधा किलो चावल मैंने लपेट लिया, जिसके बीच में मैं ना तो शूट करना चाहता था और ना ही कुछ बोलना चाहता था। लेकिन खाना कितना अच्छा बना था उसका अंदाजा आप मेरे पेट को देख के लगा सकते हैं। और एक बार अगर आपका कभी भी कोलकाता आना हुआ तो इलिश फिश जरूर ट्राई करें। इसके बाद हम निकल गए पास के कुछ पंडाल देखने। हर पंडाल का अपना एक विषय होता है, अपनी एक थीम होती है, उसी के अनुसार वहां की साज सजावट व कार्यक्रम चलते हैं। माना जाता है कि माँ धरती पे पूरे परिवार के साथ पधारती हैं, अपनी पुत्री माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ। चारों तरफ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन, हर बाजार, हर गली, हर नुक्कड़ इस त्योहार की रोशनी से जगमगाता है। और अब वक्त हो गया था निर्वन के घर जाने का। यहाँ से हमने रिक्शा लिया और फिर बस। कोलकाता लोकल ट्रांसपोर्ट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, रिक्शा, ई रिक्शा, बस, ऑटो, टैक्सी। और यहाँ बस में आज भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सीट्स हैं, जिसे कायदे से फॉलो किया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल सुबह निकलेंगे एक रोमांचक से सफर में। आज की अपनी मंजिल है बेलूर मठ, कोलकाता के पास हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट से लगा हुआ है बेलूर मठ। यहाँ तक पहुँचने का जो सबसे दिलचस्प तरीका है वो है नौका के रास्ते, फेरी से।
बेलूर मठ मुख्य तौर पे रामकृष्ण मिशन व रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये पूरा मठ 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें कई संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे रामकृष्ण म्यूजियम, रामकृष्ण मंदिर, पवित्र माता मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर और कई शिक्षा के संस्थान बेलूर मठ के पास ही बने कैंपस में स्थित हैं। बेलूर मठ अपने इतिहास, अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। रामकृष्ण मठ सिखाता है कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और यही बात आपको बेलूर मठ की वास्तुकला और इसके डिजाइन में देखने को मिलेगी। ये बाहर से देखने में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च का मिला जुला प्रतीक लगता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के आखिरी पल यहीं गुजारे थे और जिस कमरे में उन्होंने महासमाधि दी थी उसे पर्यटकों के लिए आज भी सुरक्षित रखा गया है। बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, जिसे आज भी मठ के साधु संन्यासियों द्वारा पूरी परंपरा अनुसार चलाया जाता है। मठ की कुमारी पूजा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 1901 में स्वामी विवेकानंद ने अष्टमी के दिन शुरू किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। कुमारी पूजा में एक छोटी बालिका को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और इस 121 साल पुरानी दुर्गा पूजा को देखने हजारों की संख्या में लोग बेलूर मठ आते हैं। बेलूर मठ से वापसी के बाद हम पहुंचते हैं कमल कैफे। इसे कमाल का कैफे भी कह सकते हो आप। ये मूल तौर पर एक चाय की दुकान है जहां ढेर सारे तरीकों की चाय बनती है। खास बात है इसकी सफाई की। कैफे में एंट्री से पहले आपको जूते चप्पल बाहर उतारने हैं और फिर खेल शुरू होता है कड़क चाय का। तो कोलकाता के पुचके, यहाँ की इलिश फिश और कड़क चाय को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कोलकाता से तो वैसे तो बहुत ज़्यादा पैक्ड दिन है यहाँ पे हमारे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो अभी थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कैमरे के सामने बोल देता हूँ। तो सुबह के टाइम जो है हम बेलूर मठ गए थे, तो बहुत अच्छे से, बहुत शांति में बेलूर मठ घूमे। अभी यहाँ पे मस्त एकदम चाय पी है। तो अभी नॉर्थ साइड में हैं हम, तो आज जो है नॉर्थ के सारे पंडाल घूमेंगे और आपको सारे पंडाल दिखाएंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक कार्निवल जैसा है, एक बहुत बड़े मेले जैसा, जिसमें सिर्फ कुछ गलियां, कुछ बाजार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर ही मानो किसी आर्ट गैलरी की तरह सजा रहता है। हर तरफ बाजार, पंडाल, लाइट्स, ऐसा लगता है कि ये पूरे हफ्ते दिवाली है। तो अपने पंडाल घूमने के सफ़र को हमने शुरू किया कुमारतोली से। पंडाल बोले तो एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, जो कि आमतौर पर बांस के ढांचे पर बना होता है और अलग अलग थीम पर बेस्ड होता है, और उसी थीम के अनुसार वहाँ की साज सजावट होती है, वहाँ का म्यूजिक होता है और वहाँ की लाइट्स होती हैं। ये संस्कृति और कला का ऐसा मेल है जिसे बिना देखे समझा नहीं जा सकता। तो आज आपको ढेर सारे पंडाल घुमाएंगे, जैसे कि ये वाला पंडाल कुछ अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर की थीम पर बना हुआ है। दुर्गा माँ की प्रतिमा जब आप सामने से देखेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। मुझे लगता है कि माँ की आंखें कुछ इस तरीके से बनी होती हैं कि ये आपको अपनी ओर मोहित करती हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये आंखें बोल सकती हों, जैसे कि ये आंखें देख सकती हों, जैसे कि ये आंखें जीवित हों। देखने में हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन एक एक पंडाल में हजारों की भीड़ है, जिसमें एक एक इंच से हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये भीड़ और यूं इंतजार करना, अंदर की कलाकारी देखने के बाद सब अच्छा लगता है। अब कलकत्ता आए हैं तो रसगुल्ला खाना तो बनता है। मैं हिंदी में ही बोल रही हूं, हिंदी में सारे समझ में आएंगे। नवीन चंद्र दास रसगुल्लार आविष्कर्ता, मतलब वो इजाद किया था रसगुल्ले को। यही फर्स्ट मिठाई मेकर था जिसने रसगुल्लों को
इन्वेंट किया था, इन्वेंट किया और हम लोग को गिफ्ट किया। हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन शायद ही समझ पाए कि कितनी मेहनत से एक एक पंडाल तैयार होता है, कितनी मेहनत से एक एक मूर्ति तैयार होती है। यहाँ तक कि मूर्ति बनने का काम कुमारतोली में रात में भी बंद नहीं होता। पंडाल की थीम चुनना, उसकी रचना करना, जिसमें सिर्फ पुरानी चीज़ें लाके रखी नहीं गई हैं बल्कि आज के समय के हिसाब से उसे जीवित रखा गया है और उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है, जिस वजह से पिछले साल 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का खिताब दिया गया। आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलते हैं बाबू घाट पर। माना जाता है कि सप्तमी के दिन ही माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इस दिन की शुरुआत एक खास परंपरा के साथ की जाती है जिसे नव पत्रिका और बंगाली में नवो पत्रिका व कोला बहु पूजा भी कहा जाता है। और जैसे कि परंपरा का नाम है नव पत्रिका, यानी कि नौ पत्ते। ये नौ पत्ते माँ दुर्गा के नौ अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जिसमें केला, कछवी, हल्दी, जौ, बेलपत्र, अनार, अशोक, मनका व धान के पौधे होते हैं, जिन्हें एक साथ बांधकर पूजा जाता है और फिर गंगा में स्नान कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में नव पत्रिका के स्नान की तुलना राजा के राज्य अभिषेक से की गई है और ये बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होता है। गंगा में स्नान के बाद नवोपत्रिका को दुर्गा माँ के रूप को साड़ी में लपेट के एक दुल्हन की तरह पूजा जाता है। उनके साथ ही जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा को भौतिक रूप में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस परंपरा को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब अब नवोपत्रिका में प्राण डाल दिए गए हैं, अब उसमें दुर्गा माँ का वास है। कल पूरी रात हमने कोलकाता के पंडाल घूमे और अब वक्त हो गया है कोलकाता की पारंपरिक घरेलू दुर्गा पूजा देखने का, जिसे बंगाली में बोनेदी वाड़ी पूजा कहा जाता है। बोनेदी का मतलब धनवान व समृद्ध, जो इलीट फैमिलीज होती हैं उनकी दुर्गा पूजा। वैसे तो कोलकाता में बहुत सी बोनेदी वाड़ी पूजा होती है लेकिन तीन फैमिलीज बहुत प्रसिद्ध हैं इस पूजा के लिए, दा हाउस, चरण मित्राज हाउस और शोभा बाजार राजवाड़ी। पुराने लोग कहते हैं कि कृष्णा दान जी की फैमिली में माता अपने आभूषण ग्रहण करती हैं, चरण जी की फैमिली में माता अन्न ग्रहण करती हैं और शोभा बाजार राजबाड़ी में माता नृत्य और संगीत का आनंद लेती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णा दान जी की फैमिली पूजा। सर्वप्रथम जाना शुभ सप्तमी शुभेच्छा, पूजो सब भलोभवे काटुक। गोकुल कृष्ण दा 1840 कलकता एसें बर्धमान, আসার পর এখানে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন, পরে খুব ভালো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে ওনাকে ওনার যে মানে সকল যারা পরিবারের যারা ছিলেন তাদের নিয়ে উনি শুরু করলেন দুর্গাপুজো এখানে। তো তারপর থেকে এই পুজো শুরু হয়েছে, তার মানে এবছরে আমাদের 183, তো ব্যাপার হচ্ছে যে এই পুজোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এই যে কলকা দেখছেন মায়ের বা মায়ের যে পোশাক দেখছেন, সেই সময় জার্মানি থেকে আনানো হয়েছিল এইসব পোশাক, সেইগুলো এখনও আমরা ব্যবহার করে যাচ্ছি। এবং আমাদের আমি হচ্ছি সিক্সথ জেনারেশন, আমার ভাইজি প্রমিতা বলি ইনি হচ্ছেন সেভেন্থ জেনারেশন। তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এই পুজোর কদিন এখানেই আমরা সবাই মিলে আসি, মানে আমাদের এখানে সব পরিবারের ভাই মানে ভাই বোন সব নিয়ে 100 মতন আমাদের সদস্য, তো সেই নিয়েই আমাদের এই পুজো এখনো অবধি চলছে। দাঞ্জি বতা রহে হ্যাঁ কি ইস সাল উনকি ফ্যামিলি কি ইয়ে 183 দুর্গা পূজা হ্যায়, जिसे आज उनके परिवार की सातवीं पीढ़ी चला रही है। और दुर्गा पूजा के चलते यह 100 लोगों से भी बड़ा परिवार एक साथ यहाँ दा हाउस में एकत्रित होता है। कोलकाता के पंडाल वाली पूजा, कोलकाता की बोने दिवाड़ी पूजा, ये सब देखने के बाद अब मन था
कोलकाता के पास किसी गांव की दुर्गा पूजा देखने का। तो इस अरमान को पूरा करने हम निकल गए कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के ओर ग्राम में। ये कहानी तो मैं आपको पहले एपिसोड में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और ग्राम में अष्टमी देखने के बाद नवमी के दिन हम वापस पहुँचते हैं कोलकाता, और यहाँ पहुँच के शाम में 4 बजे हम एक छोटा सा मीटअप रखते हैं ढाकुरिया लेक पे। अच्छा आप ही बैठते कहीं पे। वैसे तो बाहर घूमते वक्त मैं चाहता हूँ कि जितना कम पहचाना जाऊँ उतना अच्छा है, लेकिन मीटअप रखता हूँ तो सबसे मिलना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ क्या मायने रखती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। साथ मिलकर, साथ में बतिया कर, वो सपनों से भरी आंखें देखकर मज़ा आ जाता है। जिस जगह दोबारा कब आना हो उसका पता ना हो तो वहाँ मीटअप रख लेता हूँ। हो सकता है अगला मीटअप आपके शहर में हो सकता है अगला मुंबई में हो, मिस मत कीजिएगा। आपका एक एक सेकेंड यादगार होगा, वो मेरा वादा है। जय भोलेनाथ। यहाँ से निर्बन और विनीता को अलविदा कह के मैं निकल गया रिक और चंदा से मिलने। ये अपने वो दो दोस्त हैं जो मुझे अभी BMC में मिले हैं और कोलकाता से ही हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रिक और चंदा से मिलने। जो लोग अपने को बेसिक मॉडल्स हैं। ये है मेरा गंजा दोस्त रिक रॉय। तो रॉय साहब अभी हमको इनका एक माउंटेनियरिंग क्लब है जहाँ पे सारे माउंटेनियर्स मतलब मिलते हैं क्लब। ओह सोनारपुर आरोही यहाँ लेके जा रहे हैं, तो एक बार बाकी सारे मेंबर से मिल लेते हैं। रिक ने मज़े लेने के लिए आते ही मुझसे वॉल क्लाइंबिंग शुरू करवा दी, और ये मैं जैसे क्लाइंब कर रहा हूँ इसे बोलते हैं नौसिखिया। अभी आपको एक्सपर्ट क्लाइंब करके दिखाएगा। तो यहाँ अपनी मुलाकात होती है रिक के दोस्त नैतिक से, जो कि ऑलरेडी अपना सब्सक्राइबर है और एक बहुत अच्छा माउंटेनियर है। उसके बाद लंच में मैं, मेरी माँ और भाभी, हम पहुँचते हैं नैतिक के घर। वेट, मेरी माँ और भाभी भी साथ कोलकाता आए हैं, लेकिन ये लोग अलग घूम रहे हैं और मैं अलग घूम रहा हूँ। कल अपनी वापसी की ट्रेन है इसलिए आज हम साथ मिले हैं। नैतिक के घर पहुँचते ही हमने खाए नारियल वाले लड्डू और फिर ड्रैगन फ्रूट, और अब वक्त हो गया है दुर्गा माँ का विसर्जन देखने का। हमारे साथ रिक का भी प्लान था वैसे विसर्जन देखने का, लेकिन बाइक अरेंज नहीं हो पाई जिस वजह से मैं उसे चढ़ा रहा हूँ। ये देखो कितना उदास लग रहा है, देखो ये शुरू हो गया। चल आजा तू भी, तीसरा तीन बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, नहीं होगा, एक चालान कटाएंगे उसके बाद घूमेंगे चौड़े में एकदम, बोलेंगे भाई वो तो पहले ही कट गया। तो ये सफर शुरू होता है सोनारपुर से बाबू घाट तक का, और अब बीच में मेरी नजरें जो जो देखेंगी वो आपको भी दिखाऊंगा। वो राइट वाला है होटल ITC रॉयल बंगाल, सच में रॉयल है वो। कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग द 42, 65 फ्लोर है उसमें। ये राइट वाला है विक्टोरिया मेमोरियल, इसको पास से देखते हैं। और ये है विद्यासागर सेतु, जिसे सेकेंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। इससे होके जाने का बड़ा मन था तो हमने बाइक इधर से घुमा ली। वैसे मैंने 2-3 लोकेशन से हावड़ा ब्रिज देखा है, लेकिन असली नज़ारा यहाँ से आया है। बहुत ज़्यादा भीड़ के चलते बाबू घाट से कुछ 3-4 किलोमीटर पहले बाइक पार्क करके हम भागना शुरू करते हैं। बाबू घाट से पहले पड़ता है पिंसिप घाट। पिंसिप घाट से बाबू घाट तक के लिए बहुत भीड़ लगी है, तो हमने डिसाइड किया दुर्गा विसर्जन यहीं पिंसिप घाट पे देखते हैं। लेकिन एक समस्या है, आप घाट में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप विसर्जन के लिए मूर्ति लाए हो या फिर आप किसी न्यूज़ चैनल से हो। लेकिन एक काका ने बहुत बड़ी दुर्गा माँ की प्रतिमा अकेले संभाल रखी थी, तो हमने डिसाइड किया कि उनके साथ हम भी दुर्गा माँ की मूर्ति को सर पर रखकर अंदर ले चलते हैं। इतनी भीड़ में इसे शूट तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये सेल्फी सब बयां कर देगी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अंदर पहुंचे, और मैं मन में सोच रहा था कि जो काका इस मूर्ति को अकेले लाए हैं वो कैसे इसके भार को उठा रहे थे। इसी के चलते थोड़ा पुण्य हमने भी कमाया, और अब फाइनली दुर्गा विसर्जन को हम बिल्कुल
पास से देख सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे विसर्जन देख के मन में आई हैं, सुनना। जो मिट्टी से बनकर इस संसार में किसी भी नाम और रूप में आया है वो वापस से इसी मिट्टी में मिल जाएगा, और ये समय का पहिया है, चलता रहेगा। इन 9 दिनों में हम मिट्टी से बने एक रूप को पूजते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं, यानी कि अब उस शक्ति का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो सब में है और सब कुछ है, इस गंगा में है, इस मिट्टी में है, इस प्रकृति में है, मुझ में है, तुम में है। यानी कि अपने अंदर बने देवता के रूप को, उस विश्वास को हमें विसर्जित करना है ताकि वो विश्वास निराकार हो सके। यहां से विदा लेता हूं। हर बार दशहरा देखने वाले ने आज दुर्गा पूजा देख ली। सच बताऊं तो आने से लेके जाने तक बिल्कुल चरखी बनी हुई थी मेरी, लेकिन मजा आ गया कोलकाता का। यहाँ एक संतुलन बना हुआ है, शोर और शांति का, पोल्यूशन और पेड़ों का, धूल और मिट्टी का, गांव और शहर का, नवीन और प्राचीन का। और हाँ, अगर इस परंपरा को दिखाने में, जाने या अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना। महीनों लग जाते हैं ऐसा कुछ बनाने में, तो जिन्होंने दुर्गा पूजा नहीं एक्सपीरियंस की है उनको दिखाओ, और जिन्होंने देखी है उन्हें फिर से दिखाओ।